गोरखनाथ थाना क्षेत्र में युवती ने फंदे से लटककर आत्महत्या की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि थाना गोरखनाथ में एक बालिका की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची गोरखनाथ थाने की पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके का फॉरेंसिक टीम के द्वारा जाँच कराई गई। घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई गई। सोमवार को डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मंगलवार की सुबह परिजनों के द्वारा शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों की तहरीर पर गोरखनाथ थाने पर मुकदमा अंकित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की जा रही है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। इस घटना की निष्पक्ष विवेचना कराने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा, पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है, जल्द ही विवेचना को पूरा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, इसकी मार में आ गया तो वहाँ से एक बाजी खासे कंफ्यूजन आ गया। देखिए, ये थाना गोरखनाथ में 25 तारीख को एक बालिका की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर परिजनों के उपस्थिति में शव को कब्जे में लिया गया। फोरेंसिक टीम से पूरी जांच कराई गई और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। नियमानुसार जो शव है उसको पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कल पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा की गई। उसके उपरांत शव जो है वो परिवारीजनों को दे दिया गया। आज परिवारीजनों द्वारा सुबह उस शव का जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिवारीजनों द्वारा इस घटना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र थाना गोरखनाथ पर उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे की विवेचना प्रचलित है। साक्ष्यों के आधार पर, पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स के आधार पर और परिवारीजनों द्वारा जो भी इसमें अपने स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, सभी परिस्थितियों को और सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए इसकी निष्पक्ष विवेचना कराए जाने के निर्देश दे दिए। देखिए, अभी परिवारीजनों से इसमें डिटेल में बात हो रही है। जो भी वो अपनी बात बताएंगे उन सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लिया जाएगा। जिन परिस्थितियों में घटना घटित हुई है परिस्थिति जन साक्ष्य को भी संज्ञान में लिया जाएगा। फॉरेंसिक द्वारा जो वहाँ पर जांच की गई है और जो भी बाकी अन्य चीज़ें संज्ञान में आएंगी, सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष विवेचना सीनियर अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।